असलम जी वंस अगैन वेलकम बैक एन अ वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू यू मेरे लिए इज नॉट सच अ गुड मॉर्निंग बट दैन अगैन यू नो क्या कर सकते हैं दिस इज़ हॉल लाइफ इज़ समाइम्स आई फील दैट यू नो आई शुड आई शुड एक्चुअली एक्सपोज पीपल देर आर पीपल यू नो जो ये समझते हैं कि उनका वो बड़े डिफरेंट हैं और वो बहुत अजीब से लोग हैं मे बी आई शुड डू दैट बट यू नो समथिंग कम्स मेरे मेरे हाई ला जाती है और एंड आई जस आई जस्ट आई जस्ट कीप माई सेल्फ लेकिन आई थिंक ज़्यादा देर तक मुझे ये करना नहीं चाहिए बिकॉज इट्स इज फेटल फॉर मी इज फेटल फॉर मी तो लाइफ के अंदर ना 2024 का लेसन ये है कि आपको लोगों को ये बताना पड़ेगा कि एक्चुअली लोग दरअसल हैं कौन लोगों को आपको ये बिल्कुल बताना पड़ेगा अगर आप ये नहीं बताएंगे लोगों को तो इट हर्ट्स फिर वो आपके अंदर ही अंदर 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 तकलीफ देती रहेगी चीज़ कल रात को मुझे एक बात पता चली एंड इट वॉज जस्ट हॉरेबल एक साहब को हमने कुछ पैसे किए और उनको दिए और देने के बाद मुझे ये पता चला कि जिस डॉक्टर्स को डॉक्टर को दिलवाए थे वो भी फेक थे मतलब वो उन्होंने अकाउंट से ले लिए थे पैसे और जो मरीज था उसकी वो जाली रिपोर्ट्स थी जो मिली थी एंड नाउ देर उल गॉन तो मुझे लगता है कि ये ना ये चीज़ इंतहा से ज़्यादा गलत है मैं कल से इस रात की तकलीफ़ में बड़ा मुबतला हूँ कि आप अगर किसी की हेल्प करते हैं तो फिर आपको हेल्प पूरे तौर पे करनी चाहिए और फिर स्क्रूटनी ज़रूर कर लें बिकॉज यू नो दिस दिस इज़ जस्ट क्रेजी टू मी मैं कल से इस बात के बारे में इंतहा ज़्यादा गुस्से में हूँ हद से ज़्यादा गुस्से में मेरा बस नहीं चल रहा द आई कैन फाइंड दीज पीपल और इनको ना मैं इनको जेल करवा दूँ या मैं इनको एक्चुअली मारूँ या मैं आई डो नो मेरा बस नहीं चल रहा बट समथिंग समथिंग समथ समेलमी कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए ये बट समथिंग टेल्ज़ मी कि मुझे ये करना चाहिए मुझे ये करना चाहिए हर सूरत के अंदर करना चाहिए बिकॉज यू नो आई आई हैड इट हैड इट लोग इतना झूठ बोलते हैं इतना घुट्टी के अंदर पड़ा है आपने 2024 शुरू किया है 2024 के अंदर तो झूठ ना बोले अच्छा ये बात बारह बाई दे वे ये अक्टूबर सितंबर अक्टूबर अक्टूबर नहीं सितंबर अक्टूबर सितंबर 2023 की थी आई स्टम्बल्ड अपॉन दैट यस्टरडे और तब से ना मेरी हालत मेरा ब्लड प्रेशर एकदम से शूट हुआ हुआ है खैर नहीं भाई छोड़ी जाने दीजिए गुड मॉर्निंग टू यू मैं आपकी मॉर्निंग को क्यों खराब करूँ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड यू नो आई एम हैविंग कॉफी वो मिचल्स वहीं पड़ा है उसका रीज़न ये है कि यू नो मुझे जागना है मैंने कल दवाएँ अच्छी खासी नहीं थी एंड देन आई एम स्टिल अंडर द अंडर दैट दैट वेदर दैट यू नो यू यू के नॉट रियली बी आप आई एम नॉट नॉट रियली अवेक बट बटन शाह तल बी अवेक थैंक यू फॉर वॉचिंग द टी वी थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्वेंटी फोर बहुत बहुत शुक्रिया कुछ खबरें हैं आपके साथ जो शेयर करनी है लेकिन ख़बरों से पहले कुछ ख़वाब हाँ हैं जो आपको दिखाने हैं कुछ मकानात हैं जो दुनिया के दिखाने बड़े अच्छे अच्छे मकानात हैं ये और बड़े महंगे महंगे मकानात हैं तो मैं आपको सबसे पहले वो पैकेज दिखाना चाहता हूँ अच्छा आँखें छाखें तो आप काम करती नहीं तो दूर से अगर मुझे कुछ नज़र आ गया पैकेज तो ठीक है और अगर नहीं नज़र आया पैकेज तो आप घर तो देख लेंगे तो आइए चलते हैं कुछ घर हैं हमारे पास जो मैं आप दिखाना चाहता हूँ उसके बाद एक टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ है है तो सैड न्यूज़ लेकिन आपसे डिस्कस जरूर करूँगा प्लीज़ दिखाइए ज़रा हाँ जी ओए होए 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 ये रिवियारा के अंदर है और ये एक कमाल किस्म का महंगा तरीन घर है ऑफ कोर्स कंट्री जो है ये फ्रेंच रविया फ्रेंच रवियारा है और इसकी जो प्राइसिंग है वो सात लाख पचास हजार डॉलर है सेवन हंड्रेड एंड फिफ्टी थाउजेंड डॉलर्स आप इमेजिन कर सकते हैं कि सात लाख पचास हज़ार डॉलर में आपको ये फ्रेंच रवियाारा के अंदर ये वाला घर जो है ये मिल सकता है मिल सकता है आई अवीन आप इमेजिन करें आपको कहीं ना कहीं ज़रूर इन शाल इनशा तौर मिल जाएगा एंड दैन uh, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक और घर है Uh, ये फेयरफील्ड मैंशन है जी ये जो आपको फेयरफील्ड फैमिली है ये उनका मैंशन है सिटी जो है वो न्यूयॉर्क का है अब इसकी प्राइस टैग आप देख लीजिएगा कि इसकी प्राइस टैग क्या है ये अच्छी खासी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है और इसकी जो प्राइस टैग आ रही है वो 500 मिलियन डॉलर्स आ रही है 500 मिलियन डॉलर्स का ये घर है मतलब दिस इज़ लाइक इज नॉट हाफ अ मिलियन 500 मिलियन यानी एक बिलियन से 500 मिलियन डॉलर्स कम फिर सिटी न्यूयॉर्क के अंदर एक और घर है एंड दिस इज़ वेरी नाइस वन हर्स का इसका नाम है हाउस का नाम और इसकी जो प्राइस वैल्यू आती है ये सिटी लंडन के अंदर है और इसकी जो प्राइस वैल्यू आती है आई थिंक इट्स यूनाइटेड किंगडम के अंदर है

सबसे मशहूर तरीन चार आशारिया नौ बिलियन डॉलर थोड़ा सा मतलब क्या है तो एक्सपेंसिव नहीं है कुछ ना फोर पॉइंट नाइन बिलियन डॉलर ये बकििंग पैलेस है जी ये ये पूरा पूरा का पूरा बकििंग पैलेस है एंड इस ब्यूटिफुल लंडन के अंदर ये वाकई है पूरी दुनिया यहाँ सबसे ज्यादा सेल्फीज़ अगर दुनिया में कहीं होती है तो ये पहली दस जगहों के अंदर आता है और ये इसका इंटीरियर दिखा रहे हैं अच्छा जी ये इंडिया में है और ये अम्बानी इसका हाउस है मुंबई के अंदर है एंड इट इज़ जस्ट ब्यूटिफुल गोर्जियस लुकिंग हाउस एंड आई थिंक इट्स दी मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस इट्स दी मोस्ट एक्सपेंसिव हाउस कंट्री का नाम इंडिया है मुंबई इसकी जगह है फोर पॉइंट नाइन बिलियन डॉलर्स इसका भी प्राइस है तो इंडिया के अंदर भी इसको आई थिंक तलिया कहते हैं और मुंबई के अंदर इसका इसका ये इसकी इसकी सिचुएशन है और ये जनाब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 4.9.9 बिलियन डॉलर अगर आपके पास हैं तो आप इसकी बिड कर सकते हैं आई थिंक कर सकते हैं और ये इसके अंदर का इंटीरियर का हिस्सा है एंड दिस इज दस नाइस वेरी नाइस आई नोट पता नहीं कितने कमरे होंगे कितने नौकर होंगे कितने चाकर होंगे वी डोंट नो बट ये इसकी आउटलुक है मुंबई में दूर से नज़र आता है ये इसका मुंबई का मॉन्यूमेंट है और ओन बाय अम्बानीज तो दिस इज दिस इज़ रियली 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 गुड रियली गुड और अजी तो ये घर थे जिसके बारे में हमने आपको दिखाया एंड आई होपन प्रे कि आपको हमारी ये किसी दिन तो आप लोग भी ले ही लेंगे ये वाले घर मैं आपको बता रहा हूँ किसी ना किसी दिन तो आप जरूर लेंगे ये वाले घर एंड आई एम एंड आई एम श्योर आई एम श्योर कि ये घर जो है ये आपको मिल भी जाएंगे इसी तरह से मिलेंगे तो डोंट 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 वरी अबाउट इट बस मेहनत करें ईमानदारी के साथ काम करें लेट्स सी को हैपन एंड एक बात मेरी याद रखिएगा किसी चीज़ को भी ना यहाँ पर मत लगाइए बिकॉज एक आपको जेन्यन ट्रूथ बता रहा हूँ नो वन इज गोइंग टू बी रियली हेल्पिंग यू और लविंग यू फ्राम हेयर नोमन मेरी इस बात को बहुत सारे लोग बुरा मानते हैं मैंने रेडियो पे भी कहा है अक्सर लोग जो प्यार करते हैं वो सिर्फ अपने आप से प्यार करते हैं हम दम ज़रूर भरते हैं कि हम दूसरों से भी प्यार करते हैं नॉट ऑल दैट करते ज़रूर हैं बट उतना जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं वो लोग जो आगे निकल के बाहर दूसरों की मदद करते हैं वो ज़रा से डिफरेंट होते हैं वरना तो यूजुअली तो हम इसी बात का शिकार रहते हैं कि पता नहीं किसने मदद की है हमारी कैसे मदद की है क्यों मदद की है उसकी क्या यू नो रिपोकॉशन हैं पीछे उसके क्या, uh, you know, है, पीछ है, उसके क्या है उस दोनों तरफ से हो सकता है ना जो मदद जिसकी की जा रही है वो भी और जिसकी जो मदद कर रहा है वो भी तो जस्ट धीरज रखो मोहब्बत को उतना रखो जितनी वो है उससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है आई uh, नो मैं अक्सर ये कहता हूँ और अक्सर लोग इस बात पे नाराज़ होते हैं ओवर है आई स्टिल बिलीव ओवर है तो आराम से आज सुबह सुबह के वक्त मैं रेडियो वाली बातें नहीं करना चाहता बट आई स्टिल आई एम डूइंग दैट सो आइए एक काम करते हैं एक खबर है जो टूटे पे स्व ट्रेंड कर रही है इट शूंट है बट इट हैज़ हैजेंड और सुनामी की वार्निंग्स जो हैं वो भी आ गई हैं सेवन पॉइंट सिक्स रेक्टर स्केल का जल्जला जो है वो जापान में आया है दिखा दीजिएगा दिखा खबर दिखाइएगा ये सेवन पॉइंट सिक्स रेक्टर स्केल का जल्जिला है और ये जल्जला ज़ाहिर अच्छा ख़ासा है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन जापान के अंदर ये बात याद रखिएगा कि जब भी इतने जल्जले आते हैं तो चूँकि वहाँ प्री कास्ट होती है यानी वहाँ बिल्डिंग्स को स्क्रू करके नट और बोर्ड्स के ज़रिए बनाया जाता है तो उसके अंदर वो जो, जो जोल्टिंग फैक्टर होता है या जो वेविंग फैक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है उसके अंदर हमारे यहाँ जो देखें इसकी इनकी बचत कैसे रहती है बिकॉज जापान में दुनिया में सबसे ज़्यादा जल्जले आते हैं हमारे यहाँ क्या होता है हमारे यहाँ जब रीबास डालते हैं ना मतलब सीमेंट के अंदर रीबास डालते हैं या कंक्रीट में रीबास डालते हैं तो उसको हम ट्विस्ट कर लेते हैं जब ट्विस्ट करते हैं तो क्या होता है मैंने कंस्ट्रक्शन के अंदर काम के इसलिए बता रहा हूँ जब ट्विस्ट करते हैं तो क्या होता है आपकी स्ट्रेंथ जो होती है वो एक तरह की होती है वो बेंड नहीं कर सकती बेंड जैसी बेंड करती है वो टूट जाती है तो इमारतें मुनदम हो जाती हैं इनका तरीके क्या का क्या ये सिंगल बार डालते हैं सिंगल बार जैसे डालते हैं तो इस तरह से उसको बढ़ाते हैं उसमें लचक बहुत ज़्यादा हो जाती है तो पूरी पूरी बिल्डिंग ऐसे शिफ्ट हो जाती है और उसके बाद फिर ऐसे आ जाती है फिर ऐसे शिफ्ट हो जाती है फिर ऐसे है। तो इस, इसकी वजह से ये जानी नुकसान से बच जाते हैं क्योंकि जल्जलों की ज़मीन जो है वो जापान को कहा जाता है बेतहाशा जापान uh, के अंदर जल्जले आते हैं सुनामी की बाय द वे वार्निंग जो है वो ऑफ़र कर दी गई है अब सुनामी की इंटेंसिटी क्या होगी नो वन नोज आई होप एंड प्रे कि जानी नुकसान से महफूज रहें और uh, ये जापान में पिछले दिनों भी जापान अक्सर इस किस्म की आफात से गुजरता है एंड आर आर प्रेयर्स एंड आर हार्ट आर गोइंग आउट टू जापान राइट नाउ तो ये टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ थी जो मैंने आपसे शेयर की है आई आई होप इन प्रे आई होप एन प्रे आई होप एन पे कि इस किस्म की चीज़ें ना हों सात सौ छः

जस्ट टू मेक श्योर कि आपको थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिले कि दरअसल ये होता क्या है किस तरह से होता है इनकी फैमिली कहीं बाहर रहती है ये अकेले रहते हैं पहले हमने इनका एक पैकेज बनाया पहले वो देख लीजिए फिर इसके बाद बात करते हैं वॉच दिस नाम है मेरा जिंदगी ने मुझे कितनी मुश्किलात दी ये तो मैं भी नहीं जानता बस ये पता है कि सुबह होती है शाम होती है जिंदगी यूं ही तमाम होती मजदूरी करता हूं मैं रोज सुबह उठ जाता हूं ये सोच के कि शायद जिंदगी आज कुछ तब्दील हो जाए बचपन से एक ही ख्वाब देख रहा हूं कुछ जरा सी जिंदगी सहल हो जाए आने वाला दिन आसान हो जाए लेकिन कभी मेहनत से नहीं घबराया कभी भी नहीं घबराया मेहनत करता रहा करता रहा करता रहा ज़िंदगी की उस जगह पहुँच गया हूँ जहाँ मुझे इसके अलावा शायद कुछ और याद भी नहीं है कल जिंदगी मेरे लिए क्या लाती है ये मुझे नहीं पता लेकिन आज अगर खाना है तो काम तो करना है यही हर पाकिस्तानी का क़स्सा है मुझ जैसे करोड़ों लोग जोड़ते हैं इस नीयत से क्या आज का दिन बेहतर हो जाएगा लेकिन क्या वाकई उनके लिए दिन बेहतर होता है फैसला आप खुद कर लीजिए कैसे अमित भाई ठीक हो ये बताइए फैमिली कहाँ रहती है आपकी फैमिली गांव में रहती है कौन सी गांव जिला वाली जिला मियाँ वाली में जी हाँ तो खाने कमाने वाला कौन है बस ये कल एक बेटा है मेरे साथ आप अकेले हैं बेटा आपके साथ जी हाँ बेटा कहाँ रहता है इधर ही रहता है थोड़ा आपको उधर देखना पड़ेगा ताकि हाँ लोग नजर हाँ कहाँ रहता है लाहौर में रहता है जी वो क्या करता है वो भी ये झाड़ू वाला काम करता है लेकिन अभी वो छुट्टी में गया हुआ है और उसकी साइकिल और है या यही है ये और वो है और, और, और साइकिल है तो जो झाड़ू वाला काम है इसमें दिन की कितनी बिक्री है बस हो जाती है कभी हजार कभी पाँच सौ कभी छः सौ कभी नहीं भी लगती कभी पेड़ से काटना पड़ता है कभी नहीं भी लगती हाँ तो आपके महीने का खर्चा कितना आता है मतलब महीने का कितना पैसा मिल जाता है आपको महीना तकरीबन पंद्रह सोलह ये मिल जाता है पंद्रह सोलह हजार जी हाँ तो उसमें से अपने पास कितना रखते हैं और घर को कितना देते हैं घर को तकरीबन देते हैं दस बारह हज़ार रुपये उधर बेच देते हैं दो तीन हज़ार महीने का हम खुद का लेते हैं तो लेकिन फिर उसके अंदर रेंट वग़ैरह ये कहाँ से आता है ये रेंट किराया वग़ैरह ये क्या करते वो किराया है? मालिक देते हैं जो जिसका माल होता है अच्छा माल उसका है माल आपका नहीं है नहीं है ना माल, माल आप सिर्फ उसका माल बेचते हैं बेचते हैं तो उसने आपको एक खोली दी हुई है जहाँ पे आप रहते हैं जी हाँ ओके okay. और उसमें से पंद्रह बीस हजार रुपये आपको मिल जाता है जी हाँ और ये माल उसका और किराया उनका खाना वगैरह वो भी मालिक देता है वो आप खुद खाते हैं अपने जेब से वो आप खुद खाते हैं अपनी जेब से कितने बच्चे हैं आपके पाँच पाँच कितनी बेटियाँ कितने बेटे दो बेटियाँ तीन बेटे दो बेटे तीन बेटियाँ दो बेटियाँ तीन बेटी दो बेटियाँ तीन बेटे सब पढ़ते जी हाँ दो पढ़ते हैं एक मेरे साथ हैं एक आपके साथ है और वो बीच एक छोटा है वो भाई भी पढ़ता नहीं और बेटियाँ पढ़ती हैं जी हाँ होमिया वाली में पढ़ती हैं नहीं फिर उधर पीछे गाँव में पीछे पीछे गाँव में तो उनको क्या बनाना है आपने क्या बनाना है बड़े ओके बस बड़े ओके उनके किस्मत है जो उसके किस्मत में लिखा हुआ था वही बनेगा अच्छा मुझे बताएं ये कितने का है ये तकरीबन साढ़े तीन सौ रुपये साढ़े तीन सौ रुपये का जी इसमें कितना बच जाता है आपको पचास रुपया पचास रुपये बचते हैं जी हाँ पहले महंगाई थी पहले सस्ता था ये जी हाँ पहले सस्ता था पहले कितने का था पहले तो मिल जाता है एक सौ अस्सी दो सौ अस्सी दो सौ कर तीन सौ पचास रुपये का हो गया तो मुझे बताएं महंगाई ने आपको किया है? बड़ा है कि महंगाई तो इतनी हो जो कारोबार कोई तो किसी के पास पैसे है, है नहीं यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या चीज बिकती है निकाल के दिखाए बस ये ब्रश वगैरा जाते है ये भी कुछ चल जाते हैं ये भी आपने रखा हुआ ब्रश वगैरह जाते हैं तपड़ी भी

जब बेनजीर की हुकूमत हुई उस वक्त भी गुजारा था बेनजीर की हुकूमत में गुजारा था जब जैक हुकूमत थी उस वक्त भी गुजारा था ये चीज़। क्या चीज है ये ये झाड़ू ये बांसी। ये एक ही झाड़ू है जी हाँ इसको निकाल के दिखाएं एक झाड़ू कैसे हो सकती इसमें बहुत सारी झाड़ू आ... निकाले निकाले ये तिनके वाली झाड़ू है ये कितने की होती थी पहले ये पहले होती एक सौ सौ कितने की एक सौ अस्सी की और अब और हो गई दो सौ रुपए की अब दो सौ रुपए की हो गई है और ये कितने दिन चलती है ये जो इस्तेमाल करो तो पंद्रह बीस दिन चलती ना करो तो महीने ही चल जाती है ना करो तो महीना चल जाती है अच्छा ये जो आपने पीछे रखे हुए सॉरी ये 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 क्या है? ये क्या है है चीज़ें फूल झाड़ू ये भी सफाई के लिए होते हैं ये भी सफाई के लिए होते हैं फूल झाड़ू जरा निकालें ओके और ये फूल झाड़ू कितने की होती है भाई ये दो सौ रुपये ये भी दो सौ रुपए की है तो फूल झाड़ू में और दूसरी वाली झाड़ू में फर्क क्या है फरक बड़ा सारा है। है? ये से आती है ये बेहतर होती झाड़ू तो हम बना ही सकते हैं लेकिन हम नहीं बनाते नहीं। ये, 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 ये कहीं नहीं। बनती तो हो लेकिन उसके अपने तो नहीं बना सकता आम बंदा नहीं बनाता अच्छा ये वाइपर्स भी है आपके पास जी हाँ छोटे बड़े वाइपर

ठीक है जी ये तीन चीजें आपने हमको देनी है ठीक है इधर आए आप इधर आए ऐसे 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 देखें ऐसे देखें ऐसे देखें ऐसे देखें देखे। मुझे ये बताइए कोई शिकायत है किसी से नहीं कोई गिला है नहीं कोई नहीं गिला किला भी कोई नहीं किसी से शिकायत भी कोई नहीं, नहीं जी हाँ बच्चों को क्या कहना चाहते हैं बच्चे जो आपको देख रहे हैं क्या बोलेंगे आप उनको बस वो देखते रहने बाबा मजदूरी कर रहे साइकिल पे चलते है बाबा मजदूरी करता है अनपढ़ आपका दिल चाहता है पढ़े लिखे होते हाँ खुद क्यों नहीं चाहता लेकिन उस वक्त हमारा वालद भी कमजोर था हम भी मेहनत किए भाई चलो के साथ इंतज़ार कितने साल हो गए मेहनत करते हुए तकरीबन तो ये झाड़ू बेचने को तो दो तीन साल हो गए पहले हम बटों में ईटों के काम करता था वो तो बड़ा मुश्किल काम है जी और तो बड़ा ओण नहीं हो सकता क्यों मुझे के में आ गया हाँ, हाँ, तो अब नहीं करते वो नहीं तो ये कितनी देर करते हैं आप सुबह कितने बजे निकलते हैं आठ बजे निकलते हैं तकरीबन तो तक चार बजे आ जाते हैं पाँच चार बजे आ जाते हैं जी हाँ मतलब तो लगता है कि पंद्रह सौ रुपए हजार रुपए पाँच सौ रुपए कभी कभी नहीं भी लगती दिहाड़ी नहीं नहीं लगती हाँ। तो जब नहीं लगती तो मालिक मकान कुछ कहता है नहीं कुछ नहीं कहता बस वो अपने पेट से खाना उसने अपने पेट से खाना उसको कितनी कमाई हो जाती है अगर आपको पंद्रह हजार मिलते हैं तो यार पता होगा बस उन्होंने और भी ऐसे रखे हुए लोगों को रखे हुए लेकिन अलग अलग

बस नहीं कर तो नहीं सकता लेकिन ये जॉब गाड़ी हो जाती हो जो चीज़ें बिक जाती है वो दे पैसे देते हैं उनको नवा माल लेते हैं नहीं तो आप करना भी नहीं चाहते खुद अपना नहीं करना तो चाहते पैसे नहीं है ना भाई फर्ज करें आपको बीस हजार रुपये मिल जाए तो बीस हजार से भी तो बस ये माल ले करो मकान किधर से ढूंढ ले उसके किराए भी करो हाँ, एक उसका पर... किराया भी करो फिर साइकिल भी लेके आओ साइकिल आपकी अपनी है उसकी मेरी अपनी साइकिल अपनी चलो साइकिल का तो मसला हल हो गया लेकिन अगर मकान आपको मिल जाए तो फिर कर सकते हैं आ, मकान मिल जाएगा तो फिर तो खुद कर सकते पाँच सात हजार रुपए का तो मकान भी होगा ना ज्यादा है दस हजार रुपए का एक कमरा है ज्यादा है दस हजार रुपए का एक कमरा है तो तीस हजार रूपए के अंदर आपका बिजनेस खड़ा हो सकता है नहीं हो सकता फिर कितने में हो सकता है वो तकरीबन डेढ़ लाख दो लाख रुपया होते डेढ़ लाख दो लाख में कैसे तीस हजार आप तो कह रहे हैं सत्रह हजार का माल है सत्रह हजार माल तो या फिर कटा भी माल लेके आना नहीं रोज दिन तो नहीं जा सकता बंदा इकट्ठा माल लेके आना चाहिए अब मैं एक अपील करता हूँ अगर आप में से कोई हेल्प करना चाहता है डेढ़ लाख रुपए की जरूरत है इनको अपना माल बनाने के लिए लेने के लिए डेढ़ लाख रुपए की जरूरत है अगर आप टेलीफोन नंबर हमारा चल रहा है अगर कोई हेल्प करना चाहता है और हमित भाई की हेल्प करना चाहता है तो ये इस साइक साइकिल इनकी अपनी है इनको मकान चाहिए और ये माल चाहिए और बल्क के अंदर चाहिए आई थिंक डेढ़ लाख ज़्यादा है मेरे ख्याल में लाख रुपए के अंदर भी इनका काम जो है वो चल सकता है अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो हेल्प कीजिए एंड लेट्स सी कि क्या होता है नंबर आपका हमारे पास है आप हमें कॉल कर सकते हैं उसके बाद हम हमीद भाई का नंबर आपसे शेयर कर लेंगे इनसे मुलाकात भी कीजिए और इनसे मुलाकात करने के बाद इनके पार्टनर भी बन जाइए बिकॉज आई थिंक इनके लिए ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ ये सिर्फ पंद्रह हज़ार से बीस हज़ार रुपये कमाते हैं वो भी कभी रोज़ी होती है कभी रोज़ी नहीं होती अगर इफ़ वी कैन हेल्प हिम इफ़ वी कैन नो कम फॉरवर्ड एंड हेल्प हम तो आई थिंक इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी लेकिन यह कॉल मैं आपको दे रहा हूं आज ये कॉल आपकी है नंबर हमारा सामने दिया हुआ है ये कॉल आपकी है आप अगर इनकी हमीद भाई की हेल्प कर सकते हैं तो बी रियली गुड इनका बच्चा भी यही काम करता है इनके आ, जो एक बेटा है वो छोटा है और सबसे बड़ी बात यह इनकी दो बेटियाँ हैं जो पढ़ रही हैं और मैं ये चाहता हूँ कि वो स्कूल के अंदर रहें इनका छोटा बेटा जो है वो भी स्कूल के अंदर रहे आप न सिर्फ हमीद भाई की हेल्प करेंगे बल्कि आप एक ख़ानदान की हेल्प करेंगे एक ऐसा खानदान जिसके बच्चे आगे जाकर पढ़ सकते हैं सो दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू से हमीद भाई बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू ये हमने आपसे ले लिया है राजा ये ले लीजिएगा एंड इसके पैसे अभी आपको मिल जाएंगे थैंक यू सो मच बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया वंडरफुल मीटिंग यू बहुत खुशी हुई अमित भाई से मिलकर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद जाएगा कहीं नहीं लेकिन उन लोगों को याद रखें और कभी कभी ना ऐसे सलाम करके गुजर जाए कि यू नो दीज आर द पीपल हु मेक पाकिस्तान दे गेट अप एवरी डे एवरी सिंगल डे और बहुत मेहनत के साथ काम करते हैं इनका आपसे कोई ताल्लुक नहीं होता और इनसे बहस मत किया करें तीस चालीस रुपये के लिए आई नो आपके पास भी कम होते हैं लेकिन मैंने बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों को तीस चालीस रुपये पर बहस करते हुए देखा है एंड डोंट टॉक डाउन अपॉन देम नहीं नहीं तुम तो ये कह रहे हो आपका लफ्ज इस्तेमाल कीजिए आपका लफ्ज इस्तेमाल कीजिए चचा का लफ्ज इस्तेमाल कीजिए गिव दम रिस्पेक्ट बिकॉज ये उतने ही अजीम हैं जितने आप लोग हैं ब्रेक लेते हैं थैंक यू और आई वंस अगैन वेलकम बैक एंड टाइम आ गया है हैक्स का बहुत सारी चीज़ों का और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपके चेहरे को बेहतर कर सकती हैं आपके आपको अच्छा बना सकती हैं आपका वेट लूज़ कर सकती हैं यू नो आपके बालों की हिफाजत कर सकती हैं सबसे पहले लेट मी से हेलो टू डॉक्टर खनजा आफ्ताब सामकम मैम बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू फॉर बीग हेयर ऑन द शो बहुत बहुत शुक्रिया आई हलो टू अतारमान सिद्दीकी साहब आप एक मुसंद हकीम हैं एंड आई वॉन्टिड टू इंक्लूड दैट बिकॉज हमारे यहाँ ना हर्बल को थोड़ा सा पुश बैक कर दिया जाता है कि जी हर्बल जो है वो शायद वो हालांकि तरीका इलाज है

इसके लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़ते हैं मतवाजन गज़ा से जल्द की हिफाजत मुमकिन है गैर मतवाजन के असर आपके चेहरे पर सबसे नुमाया होते हैं स्याह रंगत दाग दबे कील खुश्क और खुरदरी जल्द वक्त से पहले झुड़ियों और चेहरे के दीगर मसायल के बाय नौजवान और मर्द चेहरा छुपाने पर मजबूर है चेहरे पर मौसमी असरा भी सबसे पहले जाहिर होते हैं गर्मियों में सनबर्न और सर्दियों में ड्राई स्किन से चेहरे को महफूज रखना जरूरी है स्किन स्पेशलिस्ट इसके लिए करते हैं। स्किन को रखने के लिए क्रीम्स भी है। चेहरे की रानाई और खूबसूरती के लिए पार्लर्स में मुख्तु ट्रीटमेंट्स जारी हैं। यकीन अपने लिए वक्त निकालना और खुद पर तो पर... hmm? okay. अच्छा ये, ये we'll सबसे पहले लोग चेहरा देखते हैं सबसे पहले देखते हैं हालांकि बहुत सारे लोग इस बात से इख्त करेंगे बहुत सारे हमारे जो फिलोसोफर्स हैं वो ये कहेंगे नहीं नहीं सीरत पहले देखी जाती है ओके आप जिसके साथ जिंदा रहना चाहते हैं जिस भी फलसफे के साथ उसके साथ रहिए लेकिन फी जमाना माशरा ऐसा है कि जहाँ चेहरा पहले देखते हैं लोग और मैं समझता हूँ कि अगर चेहरा आपका देख रहे हैं लोग तो इट्स ओके आपको उसकी हिफाजत भी करनी चाहिए मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या आप अपने रंग को चेंज करना चाहते हैं आप अपनी नाक को उठाना चाहते हैं बालों को घना करना चाहते हैं मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं मेरे लिए यू आर ब्यूटीफुल एज इज ये आपकी ज़िंदगी है आपको इख्तियार होना चाहिए कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं आई रिस्पेक्ट एवरी वन एवरी सिंगल पर्सन आपका रंग कैसा भी हो मेरे लिए बहुत खूबसूरत है आप उसे बेहतर बनाना चाहते हैं वो आपकी प्रोगेटिव है उसको भी आप बना लें लेकिन आज कल चेहरे की जल्द जो है इन मौसमों के अंदर बहुत ख़राब सी हो जाती है खुरदरी सी हो जाती है मॉइस्चर नहीं रहता थकावट के आसार होते हैं वजह क्या है सॉरी डॉक्टर साहब ये लाइव शो है, होता है कोई इतनी बड़ी बात नहीं लाइए मुझे दे दें थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपको अभी बोलना पड़ेगा बाद में हम इसको करेक्ट करेंगे ओके okay. जी अच्छा जी बात यही कह रहे थे हम कि जितना कम साबुन से या फेस वॉश से चेहरा धोएंगे उतना आपका नेचुरल मॉइस्चराइजिंग फैक्टर जो है वो प्रिजरव रहेगा आपके बदन के चेहरे के ऑयल्स जो होते हैं वो محفوظ रहते हैं محفوظ रहते हैं और ये आपके लॉन्ग टर्म एजिंग को बहुत कम कर देता है ठीक है आपकी स्किन लॉन्गर टर्म रहती है और आप अच्छी दिखती अच्छा, है वो खातन जो मेकअप करती हैं या वो मर्द जो इस फील्ड में है और वो मेकअप करते हैं क्या उनको क्लेंस करना जरूरी है रात जी बिल्कुल

कौन से वाटर्स आए हैं अह मिसिलरी मिसिलरी वाटर्स आए हैं इवन दो आई एम इन दिस फील्ड आई हैव गॉट नो आईडिया व्हाट यू जस्ट अच्छा इस इस टोनर सिंपल टोनर आप किसी भी दुकान पे जाएंगे किसी भी स्टोर पे आप उन्हें कहेंगे मुझे टोनर दे दें अगर आपकी ऑयली स्किन है ah. तो आप टोनर से चेहरा साफ करेंगे mm -hmm. और डबल क्लेंजिंग इस तरह से ज़रूरी है अगर आप इस फील्ड से ताल्लुक रखते हैं जिसमें आप रोज़ाना बेस लगा रहे हैं तो रात को मिल्क बेस्ड क्लेंजर से पहले चेहरा साफ करें और उसके बाद टोनर से चेहरा साफ़ करें फिर किसी भी नॉर्मल फेस वॉश से चेहरा धोके okay. तो मॉइस्चराइजर अप्लाई करें और सो जाएं ओके okay. ओके okay. आपको

ये बताइए कि अगर आप जल की इतनी हिफाजत ना करें तो क्या बुढ़ापा जल्दी आ जाता है रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं खुरदरी हो जाती है स्किन के अंदर पैचेस बन जाते हैं पिगमेंटेशन हो जाती है जी बिल्कुल स्किन की हिफाजत जो है वो बहुत ज़रूरी है स्किन की हिफाजत के लिए और तरीक़ाक भी बहुत ज़रूरी है एक होती है इंटरनल एजिंग जो अंदर से इंसान ने बूढ़ा होना ही है वक्त के साथ वो तो मैं पैदा ही हुआ था जी और दूसरी होती है एक्सटर्नल एजिंग यानी बाहर से अब बाहर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको जल्दी बूढ़ा कर रहे हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है सन जितना आपने आप अपनी स्किन को चेहरे की स्किन को सन से बचाएंगे उतनी आप देर से बूढ़े होंगे तो उसमें एक अच्छा सा सन ब्लॉक जरूर रखें जो कि आप डेली अपना डेली रूटीन बना लें कि सुबह उठते ही चेहरा धोते ही आपने सन ब्लॉक ज़रूर अप्लाई कर लेना है इवन हमारी जो लाइट्स हैं एल लाइट्स आज हैं घरों के अंदर बैंक्स के अंदर या ऑफिस के अंदर ये भी जो है मिलाजमा और दाग दबे कर रही है और एजिंग कर रही है तो इसलिए ये मत समझें कि अगर हम बाहर नहीं निकल रहे तो हमने सन ब्लॉक नहीं लगाना आपने घर के अंदर ऑफिस के अंदर जगा सनब्लॉक जरूर अप्लाई करना है लगाना है लगाना है बाय द वे अमोर का सनब्लॉक बहुत अच्छा ले लीजिएगा बहुत अच्छा है आई एम प्लगिंग इन माय वो बट वाकई बहुत अच्छा हमारा सनब्लॉक इज द बेस्ट हकीम साहब आपकी तरफ आता हूं सर एक गाना बना था चेहरा क्या देखते हो आपने तो सुना नहीं होगा ये सुना था याद नहीं है तो शायद सुना होगा तो, हो तो पुरानी बात है सुना तो होगा ना

स्किन के बारे में भी बात कर रहा हूँ आपसे हिकमत में ऐसी कौन सी चीज़ है जो स्किन को शादाब बना सकती है चेहरे को पीछे लेके जा सकती है जी जी सैर भाई देखें सबसे पहले इंसान का जो लाइफ है हमारा बहसीत मजमू जो लाइफ है वो बड़ा सेडेंट्री है यहाँ लोगों के पास थोड़ा सा पैसा आता है ना तो वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा आराम दे और बहुत सुकून में ले जाते हैं और उस आराम दे और सुकून के चक्रों में वो अपना जो एक लाइफ में जो एक्सरसाइज के मामलत थे रात को सोने के जो मामला थे इवन के जो आपके डाइट के मामलाते हैं यानी कि जो बिजनिस मैन है वो यानी हमारे पास आते हैं वो अपना प्रॉपर खाना भी टाइम पे नहीं खाते बज बिज़नस मैन तो हम लोगों को ये कहते हैं कि आप सबसे पहले अपना लाइफ बेहतर करें अच्छी सेहत के लिए चूँकि चेहरा इंसान का इंडेक्स होता है फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हर्बल में बड़ी आला चीज़ें हैं इसमें माशा हर्बल में स्किन की बेहतरी के लिए जो पुरानी एक हमारा एक नुस्खा चला आ रहा है और आप यकीन करें वो फॉर लाइफ है इसके अंदर ग्लासरीन यानी ग्लासरीन जो है वो फोर टी स्पून हाँ। टू टी स्पून अरके गुलाब ठीक है और वाइटामिन ई के उसमें एक कैप्सूल डाल लें हाँ। और तीन ड्रॉप्स लेमन के ओनली हाँ। तीन ड्रॉप्स अब उसका एक कंपाउंड बन जाएगा लिक्विड बन जाएगा, बन जाएगा हाँ। एक जिस तरह हम आजकल वो वो आप रात को सोते हुए जो है ना अपने चेहरे पर लगा लें आप यकीन कीजिए कि स्किन को भी साफ रखता है साफ रखता है टेशन पिगमेंटेशन को भी ठीक करता है इवन के आपकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस कॉल जो करती है वो भी खत्म कर देता है ओके okay. इसके साथ हम लोग लोगों को कहते हैं कि अपनी नींद पूरी करें हर सेहतमंद आदमी के लिए सेवन टू एट आवर्स कम्पल्सरी है रात को नींद पूरा करें थर्डली हमारा ये लोगों को होता है कि आप अपनी डाइट के अंदर बिल्कुल खुश एक आदमी जो इसके बिल्कुल बरक्स काम करता है जी जी मैं नाम नहीं लूंगा उसका लेकिन एक आदमी इसको बिल्कुल बरक्स काम करता है नींद दो घंटे मैक्सिमम समटाइम्स नॉट इवन समू आवर्स और स्किन पे बस इतना मुंह हो लिया और उसके बाद कोई भी जो आप पूरे बदन पे लोशन लगाते हैं वो ही लगा लिया आ, स्किन की कोई ऐसी केयर नहीं की और खाना पीना बस ठीक है जब मिल गया तो खा लिया कभी कभी पाँच बजे भी लंच हो जाता है और कभी ग्यारह बजे भी डिनर हो जाता है तो ऐसे लोग के लिए क्या कहेंगे आप देखिए ऐसे लोगों को अपना पानी का इनटेक बढ़ाना है और वो भी नहीं है वो भी नहीं है नहीं है तो देखें फिर मैं आपको बहुत सारे मोस्टली पाकिस्तानियों की बात बता रहा हूँ आप हाँ। हाँ, हाँ। मैंने आपको शुरू में बताया कि हमारे बहुत से लोग ये हाँ। नहीं कि जो गरीब उर्बा लोग हैं जो उमरा लोग भी हैं जो साहब स्तार भी हैं उनका भी लाइफ स्टाइल ऐसा बन चुका है कि उनके पास खाने का देखिए गरीब का पेट तो कभी बाहर आता ही नहीं क्योंकि रोटी एक वक्त की मिलती है और जैसी मिलती है वो भी होती है तो गरीब का पेट कभी बाहर नहीं आता उसको एक वक्त खाना होता है वो देखिए इंटरमीडियंट फास्टिंग तो गरीब ही करता है ना गरीब करता है और अमीर आदमी तो इंटरमीडियट नहीं कर रहा जी जी, वो तो सुबह उठ के पता नहीं क्या क्या चीजें खाता खाता है 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 फिर लेता है, फिर लेता चार केले खा लेता है फिर दो बनाना के चिप्स लेता है फिर एक खाने को बैठ के देखता रहता है एंड देन फिर यू नो अमीर आदमी तो ये सब करता है पर गरीब आदमी तो जल्द के लिए आपने जो बताया वो बड़ा जरूरी है जी 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 अच्छा बुढ़ा सॉरी बोलिए दूसरा उसके लिए एज अ टोनर हमारे पास गुलाब ओके अगर अच्छी क्वालिटी का अर्क गुलाब को आप दिन में दो तीन बार स्प्रे कर लें तो उससे भी आपकी स्किन जो है ना सर क्वालिटी कहां से लाएं क्वालिटी तो मुर्गियों में नहीं आ रही सर असल में ये इतनी महंगी चीजें नहीं है हाँ। हम इसे उसमें, उसमें देखें ज्यादातर जो कॉस्टली चीजें होती हैं उसमें लोग अल्टरनेटिव सस्ते में लेके आते हैं जो आर के गुलाब हमारे मुल्क में कुदरती अल्लाह ने लगाया है वो नायाब नहीं है ऐसे कि जो ना मिले वो मिल जाता है माशाल्लाह ओके इसी तरह सर जी जैसे खाने के लिए हमारे हर्बल के ना अंदर चार ऐसी इंग्रेडिएंट्स हैं जिसका आपने नाम सुना होगा एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज बताइए हरीड उसका छिलका भेड़े उसका छिलका आमला और चौथी चीज गुले सुरख गुलाब। हाँ। इन चारों का कंपाउंड बना के पाउडर आप बेड टाइम पे वन टीस्पून लें कॉन्स्टिपेशन में भी बेहतर लीवर के अंदर जो आपके अंदर प्रोसीजर चलता है उसके डिटॉक्सिफिकेशन का भी अमल तेज होता है आपको के दूंगा और कामयाब चीज है पता नहीं मैंने तो ट्राई करना है हर तरह से नहीं सर रिजल्ट ओरिएंटेड और हमारे पेशेंट हमारा ये माशाल्लाह आजमूदा और अजल से कब से चलता आ रहा है हमारे जो कोहना तिब्बा थे वो अपने पेशेंट्स में

ये बहुत और ये तो फिर भी कॉफी मिला हुआ है बहुत बड़ी मेहनत है ये बहुत बड़ी देखिए हम हम पाकिस्तानी लोग हैं आज मान ले हमें क्या चाहिए बैठे हुए हम हो डॉक्टर साहब आए मैं डॉक्टर साहब के पास जाऊं डॉक्टर साहब मुझे 20 साल पीछे कर दें डॉक्टर साहब यूं करें 20 साल पीछे हो गए तुम दैट्स व्हाट वी नीड या आप लोगों का सारा काम चौपट होने वाला है बता रहा हूं दो में एक पिल आने वाली है जो आपको तीस साल पीछे लेके जाएगी

और इतना रेवोल्यूशनरी चेंजेस हैं कि कि हम हैरान रह जाएंगे अगले कुछ सालों में कैसे कैसे एंटी एजिंग काम करता है बिल्कुल बिल्कुल वाली बात आपकी है। एक एक आंटी लेंगी या एक अंकल एक पिल लेंगे और दो महीने बाद कैलकुलेट होगा टाइम डेथ का सक्सेसफुल होता है आपको बता रहा हूँ जो ए आई कर रहा है <laughs> <laughs> और उसके बाद फिर आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा एक और और बॉडी के अंदर अंदर फिर आप उसके उसके उसको आपका कवर कहा जाएगा जो चीज नेचुरल है ही नहीं साइड इफेक्ट्स भी तो होंगे नेचुरल ना। तो बहुत सारी चीजें नहीं है आप ये समझने की कोशिश करें एआई बिल्कुल नेचुरल नहीं है इसी बात का तो रोना पिटना डालता था स्टीफन हॉकिंग्स वो कहता था यह तुम्हें बर्बादी की तरफ लेके जाएगी लोगों ने नहीं माना इसी बात का रोना टेस्ला डालता था वो ये कहता था अगर तुम

ए बी सी जूस पहले बंदा ए लेके आए फिर बी लेके आए फिर सी लेके आए यानी एप्पल पैदा करे फिर बीट रूट पैदा करे फिर कारेट अब करे। मैंने तो साबसते है हैं वो खूबसूरत नहीं दिख सकते अच्छा, वेरी ट्रू तो क्या करना पड़ता है उसको एप्पल बीट्रूट एक एप्पल चाहिए हमें एक बीट्रूट चाहिए और साथ में हमें कैरेट चाहिए दो बीट्रूट का मतलब चुकंदर चुकंदर जी इनको इनका जूस बनाना है और थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देना है ताकि हम उसे डाइल्यूट करके यूज़ करें और रोज़ पीना है खाली पेट पी लें या दिन में किसी भी टाइम पिए ज़्यादा पूरा ग्लास नहीं इतना सा दो से तीन घूटों काफ़ी इफेक्टिव है आपके स्किन के लिए ग्लो लेके आता है आपके लिवर के लिए अच्छा है स्टमक के लिए अच्छा है hmm. और जो चीज़ लिवर और स्टमिक के लिए अच्छी है ऑटोमेटिकली दैट्स गुड फॉर योर स्किन तो ये इस तरह से डिटॉक्सीफाई भी करता है आपकी बॉडी को इट्स रियली वेरी गुड फॉर फ्राइड आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाना चाहता हूँ हम कुछ लोगों के पास गए उनसे पूछा अब उन्होंने जवाब क्या दिया ये दिखाना चाहता हूँ ब्रेक नहीं है? Break, break. पहले ब्रेक है अच्छा दोबारा से हाँ पहली तारीख शुरू हो गई ना तो बैच तो आएंगे छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी <laughs> आपसे हमें आदत हो गई थी जरा लंबे लंबे उसकी ना एक छोटा सा ब्रेक है मिलते हैं ब्रेक के बाद अच्छा जी वंस अगेन वेलकम बैक और आज हम हेयर फॉल पे बात कर रहे हैं रविया बताइए क्या है

तकरीबन आपने तीन से चार टेबल स्पून लेना है अगर इसमें और, ये, 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 yeah, और प्याज आपने लेना है एक प्याज चाहिए और तकरीबन इतना सा कड़ी पत्ता चाहिए इसको हमने ना जलाना है उबालना है मतलब चूल्हे पे रखना है और जब आपको लगे कि ये जल गया है तो उसको ठंडा होने के लिए रख देना है अच्छा इसको दोबारा समझ लीजिए आपने खोपरे का ऑयल लिया उसको एक कढ़ाई में डाला हाँ और उसके बाद कड़ी पत्ता जो लिया उसको जलाया है कड़ी पत्ता और एक प्याज काट के और एक, एक प्याज ठीक है।, है जी इससे आपका हेयर फॉल कम होता है ठीक है और जो सर्दियों में लोगों को कम्प्लेन रहती है और जो गंजपन की शिकायत होना शुरू हो जाती है ये उसके लिए बहुत अच्छा है ओके जब ठंडा हो जाएगा आपने इसको छान लेना है और छानने के बाद आपने इसको किसी बोतल में डाल के इस्तेमाल करना है ठीक है फिर दूसरा है क्या जो मैं हर हफ्ते में दो मरतब हो ये हो गया दोबारा से बताइए कोकोनट ऑयल कोकोनट ऑयल करी पत्ता करी पत्ता प्याज प्याज सबको हमने बॉयल करना है उबालना है कर लिया। और फिर ठंडा होने के लिए छोड़ देना है ठीक है और उसके बाद इसको छान लेना है छान के और छानने के बाद बोतल में डाल लेना है okay. और इस्तेमाल करना है और कितनी मरतबा लगाना है हफ्ते में दो से तीन मरतबा से हफ्ते में okay. और ये लगा के आपने तकरीबन एक दो घंटा रखना है और उसके बाद धो लेना है ओवरनाइट नहीं रखना कोई okay. भी ऑयल हो वो एक से दो घंटे तक आपने लगा के लिए, लिए okay, अंडा दही और तेल अंडा दही और तेल, तेल कौन सा को नहीं, कोई भी सरसों का तेल है ये कोई okay. भी जो आप इस्तेमाल भी लगा सकते हैं ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं लेकिन सरसों का ठीक है अंडा दही और तेल इनको मिक्स करना है और अगर डैंड्रफ है तो एक अंडा आपने लेना अच्छा है। ये योग के साथ ही लेना है। जी ठीक है पूरा अंडा लेना है। पूरा अंडा ले लिया और दो टेबल स्पून हम लेंगे दही दही okay. दही ओके जो घर में होता है दूसरा वाला नहीं हमने इस्तेमाल करना मतलब जो वाला नेस्ले, वाला का वाला। का नेस्ले का होता है लीजिए दही मतलब जो घर का बनाया हुआ दही है वो इस्तेमाल करना खुला दही जी और इसमें हम तेल लेंगे जो नहीं निकलना वेरी गुड ब्रांड

इससे आपके बाल स्ट्रॉग होते हैं डैंड्रफ नहीं होता और जो हेयर फॉल है वो बहुत कंट्रोल होता है वेरी नाइस nice जी थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया रबिया दो हमने चीज़ें आपको बताई हैं एक चीज़ बड़ी आसान है आपने खोपरे का तेल लिया दोबारा से बता रहा हूँ खोपरे का तेल लिया है उसको एक कढ़ाई में डाल दिया है और कढ़ाई के साथ कढ़ाई पत्ते आपने लिए थोड़े से उसको और थोड़ा सा प्याज लिया है उसको अच्छी तरह से अच्छी तरह से आपने गर्म किया है गर्म करने के बाद उसको नथा लिया यानी छान लिया और उसके बाद वो अपने बालों में लगाया दो से तीन दिन और आपको आपको पता दो से तीन मरतवार आपको पता चलेगा कि आपके बाल गिरना भी रुक गए और कुछ घने भी हो रहे हैं फिर इसके बाद आपने एक अंडा लिया है अंडे के साथ साथ दही डाली और दही में कोई भी तेल डाल दिया है वह इस खोपरा और

अच्छा इसमें बहुत सारे प्रोसीजर्स आजकल अवेलेबल हैं आ, उसमें से आप नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स में से सिलेक्ट कर सकते हैं इन्वेजिव यानी सर्जिकल प्रोसीजर्स सेलेक्ट कर सकते हैं नॉन इन्वेजिव चूँकि मैं डार्माटोलॉजिस्ट हूँ और स्किन से मेरा ज़्यादा ताल्लुक़ रहता है तो नॉन इन्वेजिव में हम जो बेसिक ट्रीटमेंट सबसे बेसिक ट्रीटमेंट हम शुरू करते हैं अपने क्लिनिक्स में हर जगह अवेलेबल है बहुत सारे, सारे क्लिनिक्स पर हाइड्राफेशल हाइड्रोफेशियल की बात करें तो हाइड्रोफेशियल एक बहुत अच्छा कॉम्बो है जो कि आपकी स्किन को डीप क्लेंस करता है उसमें तीन तरह के डिफरेंट सीरम्स यूज़ होते हैं जिसमें सेलिसलिक एसिड लेक्टिक एसिड और हायड्रॉनिक एसिड सीरम्स हैं जो कि आपकी डीप क्लेंजिंग करते हैं डीप पोर्स को क्लेंस करते हैं और एंड पे हाइड्रेट करते हैं आपकी स्किन को उसके बाद हम हा, उसमें हम हाँ डिफरेंट प्रोब्स यूज़ करते हैं जो कि एंटी एजिंग प्रोब्स हैं जिनमें अल्ट्रासाउंड प्रोब जिनको हाइफू कहते हैं आर के प्रोब्स होते हैं फिर ब्लैक हेड रिमूवल प्रोब्स होते हैं

समीना uh, बिल्कुल राइटली बिल्कुल राइटली पॉइंटेड बिल्कुल सही कहा आपने वो तेज पत्ता ही था मुझे तो मालूम नहीं कौन से पत्ते कौन से होते हैं इन्हें इन्हें पता था तो कड़ी पत्ता जो है वो ज़ाहिर आपने कड़ी पत्ता इस्तेमाल करना इन्होंने कहा भी कड़ी पत्ता ही है तो कड़ी पत्ता ही इस्तेमाल करना बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच हाँ जी 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 हाइड्रोफेशियल uh, के बाद हम uh, और डिफरेंट प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं जिसमें हाई इंटेंस फोकस अल्ट्रासाउंड है ये भी टोटली नॉन इन्वेजिव पेनलेस प्रोसीजर है जो कि स्किन की टाइटनिंग करता है फिर बहुत लेटेस्ट लेजर्स अवेलेबल हैं जो कि ऑल द फोर लेयर्स पे काम करती हैं उसमें हमारे पास फटोना लेजर्स अवेलेबल हैं जो कि इंट्रा औरल लेकिन डॉक्टर साहब आप लोगों के पास जाने से लोग घबराते हैं एक मतलब उसका उसका उनको कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नहीं होता है कि बहुत एक्सपेंसिव है जी इसमें आ, हर आ, रेंज के लिए हर बजट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं okay. जो कि दे आर वेरी इफेक्टिव तो अकॉर्डिंग टू बजट हम प्लान कर लेते हैं स्किन की टाइप देख के आपकी एज के अकॉर्डिंगली और आपके बजट के अकॉर्डिंग हर तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं okay. जो यू मीन कि कोई शख्स अगर आता है तो उसको आप आराम से ट्रीट कर देते हैं उसके बजट के हिसाब से तो जाने में घबराने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब एक क्लिनिक पर जा सकते हैं कैसे हैं आप कौन सा हैक आपके पास है जो घर के अंदर बैठे हुए इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ ऐसी चीजें जिससे बाल घने और मजबूत हो सकते हैं और गिरने से रुक सकते हैं ये मौसम है बालों के गिरने का बिल्कुल अच्छा पहले एक छोटी सी चीज क्लियर कर दो आपके कॉलर ने एक सवाल किया था कि कड़ी पत्ता की जगह तेज पत्ता रखा हुआ था hmm. बेलीफ रखा हुआ था hmm. तो बेलीफ अगर आप इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ उसका पानी तैयार करके इस्तेमाल करते हैं स्प्रे के तौर पे, वो भी आपका हेयर फॉल कंट्रोल करता है वेरी नाइस nice. अगर कड़ी पत्ता नहीं है तो आप तेज पत्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जो बेलीफ है वो तो इतना इफेक्टिव है कि सिर्फ जस्ट आपने पानी में बॉयल करना है और उसके बाद वो आपका टॉनिक बन गया है जो कि हेयर ग्रोथ टॉनिक है तो आप रोजाना लगा सकते हैं तो उसमें कोई मसला नहीं है वेरी नाइस वेरी नाइस तो ये सियासतदान भी लगा सकते हैं क्योंकि अब इलेक्शंस हाँ। का मौसम आ रहा है उनको बालों की जरूरत है <laughs> नहीं मुझे लगता है कि मतलब अब पढ़ने वाली है ना अब खींचेंगे तो सही जैसे शुरू हो होगा तो खींचेंगे <laughs> <laughs> बिल्कुल <laughs> तो याद रखिए हर जलसे से पहले बिल्कुल बहुत लगाना है हर जलसे से पहले एक एक तेज पत्ते का स्प्रे करके जाइए यस yes. अभी से लगाना शुरू कर दो बाल बहुत मजबूत हो जाएंगे निकलेंगे नहीं <laughs> जी जी बताइए अच्छा हेयर फॉल की आपने बात की बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे अभी मास्क बताया ऑयल बताया सब बहुत अच्छे हैं लेकिन हमारे पास एक बड़ी प्यारी चीज होती है वो है रोज मैरी रोज मेरी का ऑयल भी मिल जाता है और रोज मैरी इस तरह से हमारे पास मौजूद होती है प्योर फॉर्म में सिंपल आपने क्या करना है जो भी आप तेल बना रहे हैं मतलब लगा रहे हैं तेल उसमें थोड़ा सा, जैसे मेरे पास एक तेल रखा हुआ है hmm. सही तेल आप जो भी आपको सूट करता है उसमें सरसों का तेल भी हो सकता है उसमें जैतून का तेल भी हो सकता है उसमें उसमें बादाम का का तेल भी हो सकता है, उसमें तेल, का तेल भी भी हो हो सकता सकता है है तिल अगर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है हेयर फॉल हो रहा है तो सरसों का तेल और सहरा तेल का तेल बेस्ट है ये दो तेल बेस्ट है वरना सब कोई से भी तेल इस्तेमाल किया जा सकता है ओके okay. आपने एक प्याली एक तो मतलब एक कप के करीब तेल लिया कोई सा भी तेल इसमें हम जो है रोज मेरी, आप देख रहे हैं कि रोज मेरी मेरे पास प्योर फॉर्म में हर्ब है इसको हमने डाल दिया वन स्पून एक खाने का चमचा ओके okay. इसके बाद अलसी फ्लेक्स ये बहुत गुड सोर्स है ओमेगा स्ट्री की और बहुत ज्यादा इफेक्टिव है बहुत सारी चीजों के लिए इसको हम डालेंगे इस, एक चमचा okay. इसका हमने डाल दिया है और ये मेरे पास मौजूद है आंवला पाउडर आंवला बालों के लिए बहुत अच्छा होता है उससे हम शैम्पू बनाते जब हर्बल शैम्पू बनाते हैं उसमें आंवला का इस्तेमाल करते हैं तो इस वक्त आंवला का पाउडर इस्तेमाल किया है और साथ में वन स्पून हम डाल रहे हैं एलोवेरा जेल okay. ये प्योर एलोवेरा जेल है ठीक है अच्छा ये तमाम चीजें मिला के ना इसको आप हल्की आंच पे पका लेंगे ज्यादा अच्छा ऐसे कि धूप होती नहीं है सर्दियों का मौसम है बहुत से इलाकों में धूप नहीं धूप नहीं निकल रही होती है इसको आप हल्की आंच पे पका लीजिए इतनी देर पकाएंगे कि जो हमने चार चीजें डाली हैं वो जल जाए जैसे इसके अंदर जो है एलोवेरा खुश्क हो जाएगा उसका पानी खुश्क हो जाएगा रोजमेरी का कलर चेंज हो जाएगा अलसी भी जो है अपना फ्लेक्सीड है वो भी ड्राई मतलब जल जाएगी और उसके बाद जब ये तेल ठंडा हो जाएगा फिर ये तेल आपने लगाना है ओके इस तेल को आप जड़ों में लगाएंगे इतनी देर लगाएंगे कि वो आपकी जड़ों में जज्ब हो जाए मतलब उसको पूरे बालों में लगाने की नीड नहीं है इससे कि हमें हेयर फॉल कंट्रोल करना है हमें बालों को नरिश नहीं करना है जस्ट आपने हेयर जो रूट्स के अंदर है आपने इसको लगाया इसका मसाज किया है और उसके बाद आप रात भर छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा है नहीं तो दो घंटे के बाद इसको आप वॉश कर लीजिए Okay. एक तरीका तो ये हो गया जो खास अच्छा, गया कि खास हेयर फॉल जस्ट दो चमचे तेल निकाला है उसमें एक चमचा जो है सादा पानी डाला है उसको okay. नीम गर्म कर लिया है मतलब okay. ऐसा जो आप बर्दाश्त कर सके और वो तेल आप पूरे बालों में लगा लीजिए उससे आपकी जो फ्रीजनेस है Yes, और से आपके उससे उसके आप, बाद आप एक घंटे के बाद उससे, उससे खत्म exactly, होंगे आपने नीम गरम लगाना है एक से दो घंटे छोड़ना है उसके बाद शैम्पू करने के बाद जस्ट आपने अपने जो हथेली को जस्ट एक कतरा लगा के चिकना करके एंड्स पे लगा लेना है अच्छा मेरा मैं मैं आपको यहाँ रोकता हूँ हमने कुछ पैकेजेस किए हैं तो पहले हमने लोगों से पूछा कि लोग क्या करते हैं तो जरा प्लीज वॉच दिस कई प्रोडक्ट्स हैं इस तरह के नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हैं अंडा है दही है प्रोटीन जिससे बालों को मिले और डाइट में भी प्रोटीन लें तो बाल अच्छे होते हैं एलोवेरा जेल में विटामिन ई के कैप्सूल एवियन कैप्सूल आप ले लें दो और एलोवेरा जेल उसमें उसमें ये मस्टर्ड ऑयल होता है उसमें वो दो टेबल स्पून डालकर मिक्स करें हफ्ते हाँ में अगर आप टू टाइम लगा रहे हैं ना उसमें आपके फॉल बिल्कुल भी नहीं होते बालों के लिए ए, तेल ले तेल जिन सा होता है ना उसके अंदर एलोवेरा जेल प्याज और ये लहसुन वगैरह इसको जला के लगाए ना तो उससे बाल ज़्यादा लंबे होते हैं मेरे भी लंबे है। हाँ, हैं हाँ पुराने ज़माने का है कि लस्सी से सर दुएँ तो या आमले रेठे से सर वो उसमें ये है कि के कोई केमिकल वगैरह नहीं है तो वो अच्छी चीज़ है खासकर ये जो आजकल क्या उसको क्या स्ट्रेट उससे जो बाल स्ट्रेट करती हैं तो उससे बाल जलते हैं तो उससे अवॉइड करें तो अच्छी बात है बालों की हफ़ाजत के बालों को लंबा और जो आपका हेयरफॉल होता है ना उसको थोड़ा कंट्रोल करने के लिए आप यह कि जो आप कोई सा भी ऑयल यूज़ करें ना उसमें थोड़े से मेथरे जला दें और उसके बाद वो यूज़ कर लें उसमें यह कि आपका हेयरफॉल भी कंट्रोल हो जाएगा और ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती है मोस्टली मस्टर्ड ऑयल जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें प्याज़ों को बर्न कर लें और उसके बाद उसमें आमले और डीठे का ऑयल मिक्स करके दो तो हफ़्ते में दो दफ़ा लगाएँ और शैम्पू यूज़ करें बालों की हिफाजत के लिए एक जेल है वो भी बड़ी अच्छी होती है उसकी आप जल निकाल के वो आप यूज़ करें उससे भी आपके बाल बड़े शाइन में भी आते हैं और स्ट्रेट लुक में भी आते हैं और उसमें दही वग़ैरह ऐड कर लें शहद है तो उससे बड़ी अच्छी उसकी लुक आती है बालों की मैं तो यही कहूँगी कि सरसों के तेल में अंडर डाल के ना बालों के ऊपर लगाएँ तो अच्छी तरह मसाज करें और कम से कम हफ्ते में एक दो बार तो ज़रूर बालों को वॉश करना चाहिए बालों की केयर के लिए आप ऐसा करें ना आमलाट जो तीनों चीजें ना उसको अच्छी तरह ना आप कूट लें कूट के उसको पानी में बॉईल करें उसको हफ्ते में एक दिन मरता आप अपने बालों पर लगा के एक घंटे लिए उसके बाद अच्छे से ऑयल में लगा के साथ सर आपकी तरफ आता हूँ सर ये तो सारे तरकीब ठीक है सर क्या होगा जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं आप लाख चीज़ें लगा लें जब आप धोने जाएंगे और पानी ही ठीक नहीं होगा तो क्या उससे भी बाल असर करते हैं बिल्कुल देखिए जी आ, हमारे यहाँ बहुत बड़ा आलमियाँ है कि बॉडी के अंदर चौदह पंद्रह परसेंट जो है ना ब्लड की रिक्वायरमेंट है और एट्टी फाइव परसेंट रिक्वायरमेंट पानी की है हम वो चीज़ें तो ढूंढ रहे होते हैं जिसे खून पैदा होता है लेकिन हमें अपने पानी की जो है ना एटी फाइव परसेंट जो बॉडी में पानी है उसकी हमें फ़िक्र नहीं है तो पानी के हवाले से देखें हमारा अलहमदुल्ला पाकिस्तान का कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ का पानी बहुत बड़ी नियमत है जैसे हरिपुर हज़ारा है तार पूरी दुनिया में ज़बरदस्त पानी

तो आपको जो पानी मिलता है जी जी तो वो... अच्छा इसका मैं आपको एक बड़ा अच्छा सोलूशन बताता हूं देखें हम इसकी क्लासिफिकेशन अगर इलाका वाइज करें तो कुछ पानी के अंदर ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं।, हैं ये बताएं है, करना क्या चाहिए करना ये चाहिए कि आप जब आप जब नहाते हैं उस टब के अंदर हाँ। मीठा सोड़ा, मीठा सोडा सोडा डाल लें ठीक है वो एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है और उस पानी के अंदर जो जहर जहरलूच चीजें हैं उनको वो पाक साफ कर देगा वो पानी आपके लिए बड़ा साबित होगा ये ये चाह रहा हूँ मीठा सोडा जो है वो डाल दीजिए आप उसके अंदर टू टेबल स्पून और दो मिनट के लिए रख दीजिए बिल्कुल और उसके बाद उसके बाद उससे नहां आप उससे स्किन की एलर्जी एचिंग एचिंग वगैरह जितना आपका ये, ये खारिश करते। जब जान जोखों में तो बीमारियाँ जकड़ लेती है खाना देख कर हाथ ना रुके और जिम देख कर हाथ पैर फूलने लगे या जॉगिंग ट्रैक के हवाले ऐसी ट्रैक रिकॉर्ड इंतहाई खराब हो तो वजन बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता डट कर खाए मगर मोटापे ऐसी खौफ खाए खाने से खुद हाथ रोक लें इससे पहले कि डॉक्टर आपका खाना रोक बढ़ती है, है थोड़े काम के बाद का वेट करें। मोटापा आपके लिए जहनी परेशानी का बायस ही नहीं आपको शुगर और ब्लड प्रेशर जैसे मसाल से भी दो चार कर देता है फिर दिल थाम लीजिए कि ये मोटापा दर्द दिल तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा दर्द दिल महसूस नहीं है मोटे लोगों के लिए किसी के लिए भी हो सकता है अबाउट उसके लिए आप मेरा रेडियो सुनिए अक्सर वो वाले दर्द दिल की बातें रेडियो पे होती हैं ये वाला जो दर्द दिल है ये मोटापे की वजह से सो कमिंग बैक टू यू मोटापा कैसे रिड्यूस किया जा सकता है ओबीसीटी हमारे मुल्क में कितनी है डॉक्टर साहब डब्ल्यू एच ओ के स्टैट्स के मुताबिक तो हम फोर्टी एट परसेंट से लेके सिक्सटी परसेंट तक

सबसे पहले तो आप बिन ईटिंग करते हैं hmm. खाना ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं दूसरा एक खास किस्म का हार्मोन होता है लेवल्स, uh, ये बढ़ना शुरू हो जाते हैं जैसे ही डिप्रेशन आता तो है तो कॉर्टिसोल लेवल्स जो हैं वो क्या करते हैं जैसे ही रेज होते हैं वो फैट्स को बढ़ाना शुरू कर देते हैं फैट्स की ग्रोथ शुरू हो जाती है uh.

वो ये है लेकिन फिर आपके पास प्रोसीजर्स भी मौजूद होते हैं ना एक्जैक्टली हम आ, बहुत सारे प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं इसमें हम डिपेंड करते हैं बी एम आई कितना है बी एम आई जो है वो वेट और हाइट के अकॉर्डिंगली आपका मेजर होता है आ, अगर बी एम आई बहुत ज्यादा हो तो उस पर वेट लॉस सर्जरी रिकमेंडेड है जो कि आपको डायबिटीज ब्लड प्रेशर पी सी ओस हर तरह के मसले को रिजॉल्व कर देती है लेकिन अगर आपका जस्ट टिपिकल बॉडी एरियाज में फैट है लाइक लोअर एबिनल फैट है या आपकी आर्म्स हैवी हैं या आपकी चिन हैवी है तो uh, <laughs> 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 <होता? laughs> स्मार्ट वो कम आपका चार से छ हफ्ते तक आपको बेड पर रहना पड़ता था और बहुत पेनफुल प्रोसीजर हुआ करता था लेकिन अब जब से स्मार्ट लाइफोसेशन आई है स्मार्ट लाइफोसेशन अवेक लाइफोसेक्शन आप जागते हुए कराते हैं अपने सर्जन से आप बातचीत कर रहे होते हैं सारा और उसके बाद आपका दो घंटे में पेट जो है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है बट मेरा सवाल है वो एक्सपेंसिव भी तो होता होगा ना एक्सपेंस इज रिलेटेड टू दैट

यूरोप और uh, में बहुत कम है 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 इसके बाद वेजर की मदद से होती है। उसकी उसकी प्राइसेस थोड़ी लो है इससे। वेजर लो इससे ओके 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 लेकिन जो लेजर वाला है, ये बिल्कुल वन uh, yeah, yes, okay, okay. okay. सर <coughs> रबिया क्या करना रातों को जागने का हमारी मांगे? जो है टू

तो मैं बता रही थी हाँ। कि आपका स्लीप साइकिल ठीक होना चाहिए उसके अलावा आपकी जो लाइफ है फ़ास्ट फूड को वीक में एक से दो मरतबा कर लें और उसके अलावा फाइबर को अपनी डाइट में इंक्रीज करें और सबसे ज़्यादा जो इम्पॉटेंट चीज़ है स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेने क्योंकि स्ट्रेस से आपका स्ट्रेस uh, टमी होता है वैसे आप जो फास्ट फूड कह रही है ना फास्ट फूड आप सातों दिन भी खा सकते हैं बट जो फूड है ना उसको फास्ट खा लेंट फास्ट फूड यू नो और हमारे मुल्क में फास्ट खाना और किसी को पता भी ना चलने देना, कसम से ये तो, ये तो तो बड़ी जबरदस्त बात है वो समझते बिरयानी का पूरा बाउल है तो वो उनके लिए ही है वो पूरा उन्हीं खाना है नहीं होता तो पोर्शन उनके लिए नहीं होता नहीं होता अच्छा या तो वो ऐसा है कि पोर्शन साइज को भी कंट्रोल करना पड़ता है फ्रूट्स को वाटर का इनटेक आपने रेगुलर रखना है और हाइड्रेटेड रहना है तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको स्लिम रखते हैं और है। स्ट्रेस से कितना दूर रहना है? इतना दूर जितना पाकिस्तान सक्सेस से दूर है अच्छा पाकिस्तान सक्सेस से दूर है अब ये कह मत दीजिएगा किसी को जी प्लीज़ बताइए जी जी बताइएसली में देखें हमारा जो लाइफ स्टाइल एसिडेंट्री है एक तो लैक ऑफ एक्सरसाइज इसका मेन मेजर इशू है लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप एक्सरसाइज जरूर करें और एक्सरसाइज को जरूर नहीं कि आपको एक घंटा दो घंटा टाइम निकालना है आप जहाँ सो के उठे हैं आप वहीं से अपनी जो फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइज है वो पाँच दस मिनट में कर सकते हैं उससे आपकी बॉडी शेप में आएगी नंबर है नंबर दो आप जो है जैसे मैडम ने बताया डॉक्टर साहब ने कि वो कार्टिसोल लेवल कार्टिसोल लेवल हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को एनहांस करता है लेकिन स्ट्रेस की सूरत, सूरत में कार्टिसोल लेवल आपके ब्रेन के अंदर जो सेल्स होते हैं हाइपोथैलेमस उससे आपकी बॉडी की पीएच डिस्टर्ब होती है जिससे आपके अंदर वाटर टेंशन बढ़ता है तो आपने मोटापे का भी स्ट्रेस नहीं लेना बल्कि खंदा परिशानी से उसका इसकबाल तरीके ऐसा उसका इस्ते नहीं इलाज करवाना है या उसकी अपनी प्रिकॉशन करनी है प्रिकॉशंस करनी है थर्डली ये कि आपका मैडम ने बताया कि जो हमारी खुराकें हैं देखिए हमें तीन चीज़ों का बताया गया टिप के अंदर कि आपने जो भी खुराक खानी है ना एक हिस्सा गजा का है एक हिस्सा आपका पानी का है तीसरा हिस्सा आपकी हवा का है लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम खाना खाते हैं और खाना डिलीशियस हो तो हम तीनों हिस्सों को गजा से कवर कर लेते हैं अब ना पानी की जगह रहती है ना उसकी सांस की जगह रहती है तो ये भी ओबेस्टी की एक बहुत बड़ी रीजन है पूरी दुनिया के कम अंदर जी और, खा, कम खाना जो है इसमें हमारी खैर है हर लिहाज से रूहानी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी अच्छा इसमें एक चीज बताऊं आपको कि चौदह रीजन हैं इंटरनेशनली ओबेसिटी की जिसके अंदर गायनी के वाले से सिस्ट के इश्यूज़ हों उसमें भी ओबेस्टी होती है कॉन्स्टिपेशन एक मेजर रीजन है जो कि हमारे पाकिस्तान में चूंकि नान कुलचा पराठे इसका बुरा रवाज है घरों में दिन रात चावल नान कुल्चे पराठे खाते हैं मैं लोगों को ये कहूँगा कि आप जो दौर आ रहा है इसके अंदर आप जौ की रोटी का भी इस्तेमाल करें उससे आपके अंदर गैस ट्रेबल नहीं होगी ब्लॉटिंग नहीं होगी उससे आपकी इंडाइजेशन के इशूज ठीक होंगे मेटाबोलिक सिस्टम आपका प्रॉपर वर्क करेगा इसी तरह लोगों को हम ये कहते हैं कि खाने के बाद थोड़ा सा पानी जो है ना आधा घंटा या पंद्रह मिनट मिनिमम मिन मिन जो है ना आप स्टे कर लें पानी ना पिए लेकिन पानी फौरन भी पिया जाता है दरमियान में भी पिया जी जाता जी पी सकते हैं लेकिन हमारे यहाँ डेढ़ दो दो ग्लास लोग आफ्टर डिनर जो है लंच वो पी लेते हैं उससे आपके अंदर ब्लॉटिंग के इशूज आते हैं और खाना हाजम होने में भी बहुत टाइम लगता है तो ये सारी चीजें ओबेसिटी के लिए होती है ये ओबेसिटी के लिए मैं उमराइल की तरफ जाता हूँ उमराइल ये बताइए कोई ऐसा तरीके है जिससे ओबिसिटी कम की जा सकती है कोई ऐसा हैक है कोई ऐसा टोटका है देखिए बहुत सारी चीज़ें बताई गई पहली चीज़ तो यह है कि खाने से पहले ज़रूर पानी पीजिए और पानी नीम गर्म होना चाहिए खाने के दरमियान ज़रूर पानी पिए वो भी नीम गर्म होना चाहिए अगर वो लोग जो जो अपने खाने पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो वो खाने से पहले इस बगोल या चिया चियासीत या तुखमे में बालंगा एक गिलास पानी में भिगो के दो चमचे वो पीना शुरू कर दें और खाने के बाद आजकल ऑरेंजेस का सीज़न है खाने के बाद जो कीनों का छिलका है उसका कहवा बना के रखें कीनू के छिलके का कहवा। कहवा जो है आपने खान यस ओके okay. उसको आपने सिर्फ जैसे दो कप पानी के अंदर आपने आधे कीनों का जो है छिलका है वो फ्रेश वाला वो आपने डाला उसको खूब पकाया उसके बाद उसमें शहद आप डाल सकते हैं खाने के साथ या खाने के बाद आपने वो कहवा पीना है अगर आपको लगता है कि वजन बहुत तेज़ी से बढ़ता है या बहुत बढ़ा हुआ है तो उसमें ज़रा सा जो है ना एक इंच का टुकड़ा दालचीनी चीनी का डालें okay. या आप रूटीन में करें कभी भी आपका एक्स्ट्रा वेट नहीं बढ़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट वॉक करना ज़रूरी है जिम है वॉक है ये बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ वज़न नहीं बढ़ाती उस वक्त तक जब तक आप खुद ना चाहें क्योंकि आप खुद ओवर ईटिंग करते हैं और जो ना अपने आप को मूवमेंट से रोकते हैं लाइक वॉक नहीं कर रहे हैं एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपका खाना डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है तो इस वजह से वज़न जो है बढ़ना शुरू हो जाता है रात का खाना आपने हमेशा जल्दी ख़त्म कर देना लाइक सात बजे तक रात का खाना हो जाना चाहिए आपने हैक पूछा सिंपल सी चीज़ बताती हूँ एक जग पानी लीजिए उस उसके अंदर जो है आपने एक चमचा छोटा चाय का चमचा जो होता है मेथी दाना जिसको मेथरे भी कहते हैं मेथी दाना या मेथरे जो भी इजीली मिल जाए वो आपने उसके अंदर डालना है एक इंच का टुकड़ा जो है आपने उसके अंदर दार चीनी डालनी है okay. और एक चुटकी आपने डाली है कत्था सूखा हुआ कत्था ओके okay. ये तीनों चीजें आप रात को गर्म मतलब पानी में डाल दें गर्म पानी होना चाहिए और सुबह उठ के ये जो एक जग पानी है यानी चार गिलास पानी ये पूरा दिन में आपने कंज्यूम करना है ओ? अच्छा। इसके अलावा एक्स्ट्रा जी इसके अलावा पूरा मतलब इसके अलावा भी आप पानी या लिक्विड इस्तेमाल कर सकते हैं ये जो पानी है ये आपने एक हफ्ते इस्तेमाल करना है ठीक है एक हफ्ते के बाद आपने कम से कम तीन दिन का कर गैप करना है ठीक है और उसके बाद दोबारा एक हफ्ते इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद आप साहिर को फोन करके बताइए आपके इंचेस कितने कम हुए really? दोबारा से जरा मुझे बताइएगा कि क्या करना है इंचेस कम करने के लिए क्या चीज इस्तेमाल करनी है दोबारा से बता दें ताकि व्यूअर्स को पता चल जाए ओके okay, एक जग पानी लिया हमने ले लिया है, उसमें एक चमचा हमने मेथी दाना या मेसरे डाले ठीक है एक इंच का टुकड़ा दालचीनी का डाला है एक चुटकी जो है जस्ट वन पेंच आपने डाली कत्थे की कत्था जो पान में इस्तेमाल होता है सूखा हुआ कथा वो सिर्फ एक चुटकी डाल है रात को गर्म पानी के अंदर या नीम गर्म पानी के अंदर तीनों चीजें आप डालेंगे इसको ढक के रख दे सुबह जो है ये पूरा दिन में ये पानी लाइक रात को भिगोया है हमने और सुबह से ये पानी पीना शुरू करेंगे एक तो, मतलब तो सुबह के के तो 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 आप तो आपके वजन के लिए बहुत अच्छा है डायबिटीज को कंट्रोल करता है वजन को बहुत तेजी से कम करता है वो आप खा सकते हैं डन और ये आसानी से हर जगह भी है आराम से आराम से आराम से अच्छा डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ वजन बढ़ गया पेट बढ़ गया कपड़े नहीं फिट हो रहे फिर आपके पास लोग आते हैं कि कर दें और दस दिन के अंदर अंदर एक मिनट के बाद है, तो ले सकता हूँ अंदर अंदर तो सर्जिकली पॉसिबल है, बिल्कुल ये, बिल्कुल पॉसिबल, ये है पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल okay. पॉसिबल है। okay. आप दो घंटे के अंदर पतले हो सकते हैं दो घंटे के अंदर दो घंटे के अंदर टू आवर्स टू आवर्स में वही स्मार्ट लाइफोक्शन जो दो घंटे के अंदर आपको दो घंटे आपके मसले हल हो गए अगर किसी की शादी आने वाली है तो दो घंटे के अंदर आप पतले हो सकते हैं प्रोवाइडेड कि आपके पास पैसा है राइट ट्रू 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 लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। दस दिन भी काफी होते हैं अगर आप वो तमाम चीजें जो डॉक्टर साहब ने बताई हैं रबे ने बताई हैं हकीम साहब ने बताई हैं यो मेरा ने बताई हैं अगर आप उनको फॉलो कर लें तो भी सिग्निफिकेंट फर्क तो आ जाएगा आप उतने पतले नहीं होंगे जितना पतला डॉक्टर साहब कह रही है लेकिन आप यहाँ से पूरा फैट जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं और ये इसको स्मार्ट कहते हैं

इलायची छोटी हाँ जी ये तीन अदद ये ले लें और हाफ टी स्पून सौंफ ले लें ठीक है सौंफ और ये सुंड है सुंड सूखा अदरक जिसको हम जंजबील भी कहते हैं अच्छा जंजबील ठीक है ये और सिनीमम दारचीनी ओके ठीक है इसमें आपने ये चार चीज़ें ये हैं और पांचवी चीज़ पुदीना 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 के आप दस अदर पत्ते ले लें और इसका आप कावा जब पीना शुरू करेंगे तो उससे इन दिन में दो से तीन बार चाय की जगह या कॉफ़ी की जगह भी आप ये पी सकते हैं और पेट कम होता है पेट से कम होता है इससे एक्सेस फैट ये इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखता है।, है आपके लीवर के जो मेटाबॉलिक सिस्टम है उसको बेहतर करता है और ये जैसे पुदीना ताजा दस पत्ते उसके दें बेहतरीन ओबेसिटी है इसके अलावा हमारी एक मको एक बीज मको, होते हैं हाँ, मको का पौधा हाँ, भी है उसका अर्क मार्केट से मिल जाता है ये घर में आप उसके मुकोल वो कौन सी एक चीज थी जिसको मोशंस लग जाया करते थे लोगों को वो सना मक्की सर सना मक्की वो क्या होती है सना मक्की बेसिकली ये लीवर के लिए और डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमारी एक हर्ब्स है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज रखती है।, है।, है लेकिन कोरोना के दिनों में लोगों ने उसको मिस यूज किया बल्कि उसके नॉन एड एलिमेंट जो है ना फायदे बताते हैं सना मक्की से लूज होता है वेट ऑब्वियसली सना मक्की वेट को भी कम करता है सना मक्की कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करता है और लीवर के अंदर जो डिटॉक्सिफिकेशन का अमल है उसको बेहतर कर देता है आप ये भी मुझे देंगे जी सना मक्की आपको मिलेगी वो हाँ, तो कॉमन हाँ। हाँ। चीज है इनशाला रीजन दूसरे मेरे बट जी, जी आप देंगे मुझे ये। जी इनशाला अच्छा, एक तो, चीज आपको और बता दूं वेट भी कम करता है और स्किन को भी ग्लो करता है घरों के अंदर मौजूद होता है वैसे हमाल की वजह से बहुत ग्लो है मेरा

लीवर के लिए जिनका फैटी लीवर है या इनलार्जमेंट है दोनों में काम करता है ज्वाइंटस बच्चों का अमूमन ज्वाइंटस होता है जिसको हम कराची में पीलिया कहते हैं याकान असफल भी हम कहते हैं तिब में तीन दिन के अंदर रिवर्स हो जाता है ज्वाइंडस सीरियसली Yeah. सिर्फ ये आपने अच्छा मैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट एक करूंगा अगर आप ये तमाम चीजें सुन रहे हैं प्लीज मेक श्योर करें कि आप अपने डॉक्टर से जरूर मशवरा करें हाँ, हाँ. हमें नहीं पता कि आपकी क्या है डॉक्टर से कुछ भी चीज खाने या लगाने से पहले डॉक्टर से मशवरा करना बहुत जरूरी बिल्कुल है बिल्कुल हकीम साहब से भी आप बात कर सकते हैं लेकिन एट द सेम टाइम प्लीज जो डॉक्टर्स ने आपकी एलोपैथिक मेडिसिन या जिस डॉक्टर के पास आपकी हिस्ट्री है उससे जरूर मश्व करें बिल्कुल जी और जीरा सफेद जो है कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करता है इवन जो गायने की की इन्फ्लेमेशन सिस्ट

तो ग्रेप फ्रूट आजकल क्योंकि मौसम है इसका तो आधा ग्रेप फ्रूट अगर आप रोज लेते हैं तो that's ये काफी ज़्यादा ah, अच्छा है ये अच्छा वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा रोजाना ग्रेप, पिया करता था। कि शायद उससे थोड़ी सी मुझे हो गई लेकिन लेकिन really अगर आप फ्रूट इट हैं ना तो बेहतर है जूस तो जाहिर बात है वो एक से दो ग्रेप फ्रूट का होता है अगर हम फ्रूट इट जी आधा ग्रेप आपने खाना है <laughs> hmm. मैं उसमें काला नमक मिला के वो करता था अच्छा लाइए दे दीजिए थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया काला नमक मिला के मैं लिया करता था बिकॉज वैसे मुझे ग्रेफ्रूट थोड़ा सा कड़वा लगता था तो उसके अंदर काला नमक जब मैं डाल लेता था तो इट वॉज इट वॉज रियली गुड इट वॉज रियली गुड अच्छा आप लोग जरा बात करें मैं उम्राहिल की तरफ भी जाऊँगा लेकिन पहले मैं ये देख लूँ कि हमारे जो किचन के अंदर तैयारियाँ हैं वो क्या हैं तो आइए बात करते हैं असल कैसे हैं आप अल्लाह का ओए होए मेरा फेवरेट

इसलिए आपको नहीं दे सकता लेकिन आप खा जरूर लीजिएगा जैसे चिकन बैरी राइस ऊपर इसके स्ट्रॉबेरी है अंदर इसके फिलिंग है और चिकन के साथ है इट्स इट्स रियली 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 गुड 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 ऑल ऑल इट 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 इज 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 थैंक यू जी बहुत बहुत शुक्रिया यार इन लोगों को जिंदगी में कभी किसी ने कुछ नहीं दिया सो आई आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट आई गिव दिस थैंक यू जी सर ये भी लीजिए सर थैंक यू कभी कोई नहीं देता इन बेचारों को ना ये बेचारे ऐसे ही घूमते रहते हैं सर ये ले सर प्लीज थैंक यू सर सर ये लीजिए ये लीजिए थैंक यू दुआएं दोगे तुम लोग मुझे ये लो एंड यू गो थैंक यू ये भी ले लीजिए सर सर थैंक यू सर आपकी ये प्लेट तो गई मलिक साहब और नदीम भाई इस वक्त सर में टक्कर मार रहे होंगे वहां पर ना धड़ास थ अब क्या होगा दोपहर तो का खाना चला गया नदीम साहब के लिए साहब के लिए पड़ा अच्छा <laughs> <के> इसमें <laughs> डाला क्या सर सर इसमें चिकन हाँ स्प्रेड बना के घर में ठीक है उसके बाद ये जो ऑर्गेनिक जैम बना हुआ है ये खालिश ओरिजिनल स्ट्रॉबेरी से बना हुआ है ओके okay. ये भी घर में ही बना हुआ है ओके उसके बाद फिलिंग है फिलिंग है ये एक ऐसी चीज़ है कि जो आप प्रिपेयर नहीं कर सकते अगर आप रोटी बना के नहीं कर सकते तो आप एक बन आता है लंबा वाला आपने उसको उसको कटिंग करके उसको बटर लगा के बेक कर लिया मैं तो इसलिए ये विद इन टू ट्वेंटी मिनट्स में ये सारी डिश तैयार हो जाती है थैंक यू सर थैंक यू आप जाहिद भाई की ये सारी रेसिपी जो है ये मार्फा की वेबसाइट पे भी जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे भी आ सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक आप हमको फॉलो कर सकते हैं थैंक यू सर थैंक यू बहुत बहुत वो बहुत वो शुक वो वो शुक बहुत शुक्रिया वंडरफुल कैसा है जी बताइए डॉक्टर साहब कैसा है अच्छा है बहुत. कैसे आप तो वैसे ही फूड ब्लॉगर हैं. आपको तो आपको तो खुल के देनी चाहिए बताइए <laughs> तो तो नहीं <laughs> बहुत अच्छा है काफी डिफरेंट टेस्ट डिफरेंट है ना आपको कैसा लगा बिल्कुल डिलीशियस है और बिल्कुल जैसे जैसे बताया कि it is नहीं 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 तो मैं आपको ये जरूर टेस्ट करवाता नहीं बिल्कुल आपने दिया यकीनन अच्छा है अच्छा ये बताइए मोटापे के लिए क्या किया जा सकता है आप उससे पूछ रहे हैं जी जी आपसे ही पूछ रहा हूँ अब आपकी बारी जी हाँ जी मोटापे के लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपने कौन सा पानी पीना है खाने के बाद आपने कहा आपने कहवा पीना है उसके अलावा जो है अगर आप चाहते हैं कि मतलब वज़न बढ़े ही नहीं तो वही वाली बात है कि आपने खाना कंट्रोल करना है डाइट को कंट्रोल पोशर्स में आपने खाना है और सबसे आसान एक और चीज़ है जैसे अभी सना मक्की की बात हो रही थी कोर तुम्बा आता है कोड़तुम्बा वैसे जो है ना डिफरेंट चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं लेकिन आप सौफ पहाड़ी पुदीना और कोड़ तुम्बा इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर बना लीजिए और इसके साथ आपने चौथी चीज़ डालनी बड़ी वाली हर Hmm. ये चारों चीजों का सफूप बना के आपने रात को सोते वक्त सिर्फ हाफ टी स्पून खाना है कोर तुम्बर की वजह से जो है पेट में क्रैम्स पड़ सकते हैं लिहाजा उसकी मकदार आपने कम रखनी है उसके बीज निकाल देने हकीम साहब मौजूद हैं वो भी जरूर गाइड करेंगे और इसकी मिकदार कभी भी इसको एक्सीड नहीं करना चाहिए जो भी डोज आपको बताई जाए इसलिए वरना फिर वो आपके पेट के लिए आपके लिए नुकसानदेह होता है ओके तो ये चार चीज़ों को आप जो है रात का मतलब पाउडर बना के रख लीजिए और सोते वक्त हाफ टी स्पून खाना है गर्म पानी के साथ

आई स्ट्रेस से दूर रहें उसके बाद लाइफस्टाइल को मेंटेन करें और स्टे हाइड्रेटेड दैट्स इंपॉर्टेंट यस मैम मैं तो स्किन पे बात करूंगी कि यंग रहने के लिए लंबे से तक स्किन की ग्लो को बरकरार रखने के लिए सन ब्लॉक जरूर लगाएं और अमोर का सन ब्लॉक लगाएं और अमोर का सन ब्लॉक थैंक यू वेरी मच बॉ बॉ शुक्रिया अमोर का सन ब्लॉक लगाइए जी मैं बड़ी सिंपल बात करूंगा मुझे ज़िंदगी में ना चंद चंद चीज़ें बड़ी पसंद है मुझे सिंपल चीज़ें बहुत पसंद है एक एक चीज़ कोई हो जैसे मैंने सना मक्की किन से बात की कि मुझे भाई वो दे दो उससे दो तीन चीज़ें हो जाएं मैं लाइफ को बहुत सिंपल रखता हूँ जेनुनली सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ आज आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा अपने चेहरे पर मैं आपको बता रहा हूँ टमाटर आधा काटिएगा आधा टमाटर काट, काट लीजिएगा उस पर हल्का सा शहर लगाइएगा जो एक्ने के लोग हैं वो नहीं लगाएं जिनको एक्ने का मसला है वो नहीं लगाएं लेकिन बाकी टमाटर काट के आधा थोड़ा सा शहर लगा लीजिएगा और पूरा ना इस तरह से ना रोल कर लें और उसको पाँच मिनट तक छोड़ दें ड्राई होने दें और उसके बाद ठंडे पानी से अपने चेहरे को साफ करके कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा लें उसके बाद रिज़ल्ट आपको खुद पता चलेंगे अच्छा मैं हमेशा ये कल भी मैंने चावल का मास्क लगाया था चावल गल्प कर दिए चावल के अंदर गल्प करने के बाद थोड़ा सा शहद डाला और थोड़ा सा मिल्क डाला और उसके बाद वो लगा लिया तो ये भी आपके लिए बड़ा अच्छा असर करता है प्रोवाइडेड कि आप इसे पूरे यकीन के साथ करें और कोशिश करें कि जिस तरह से बताया गया है उसी तरह से करें जब भी आप कोई मास्क लगाते हैं कोई चीज लगाते हैं तो उसको अपवर्ड मोशन के अंदर लगाइए एंड दैट्स अबाउट इट मेरी तरफ से इतना ही है इजाजत दीजिए कल बहुत इंपॉर्टेंट शो है कल आपके सारे मसाइल का हल है किस तरह से है कुरान के हवाले में कुरान की यू नो चीज में कल वजाइफ का दिन है और कल मैंने पूरी कोशिश की है कि आपकी बिकॉज मैंने कहा है कि हम ये जो नया साल शुरू कर रहे हैं ना ये पूरी कुत के साथ शुरू करें जो कुछ 2023 में हो गया वो हो गया लेकिन जो 2024 में होना है वो डिफरेंट होना है कल मिलेंगे तब तक के लिए खुदा हाफिज